नमस्कार दोस्तों, काफ़ी डिमांड के बाद में आज हम वीडियो लेकर आए हैं भाई सोनालिका टाइगर सीरीज की, जो काफ़ी अच्छा और अलग से लुक के साथ में आपको ट्रैक्टर मिलता है। इसके फीचर बताऊंगे आपने और हो सके तो शायद इसका प्राइस भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये सोनालिका टाइगर DI-60 जो 60 HP कैटेगरी में ट्रैक्टर मिलता है आपने, 4 सिलेंडर में ये ट्रैक्टर है और इसका जो इंजन है वो 4087 cc का इसका इंजन दिया गया है। सबसे पहले इसके जो लुक है, इसका लुक आपको दिखाना चाहेंगे। फ्रंट में जो LED आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों दो LED हैं और जो इंडिकेटर्स हैं वो LED टाइप में दिए हुए हैं। जो इसका लुक है वो यूरोपीय ट्रैक्टरों की तरह ही इसका लुक दिया गया है, ठीक है। सामने टाइगर का सिंबल, ठीक है, काफ़ी अच्छे लुक के साथ में है। फिर आपने यहाँ पर दिख रहा होगा अभी इसकी लिफ्ट कैपेसिटी 2000 kg से 2200 kg तक इसकी लिफ्ट कैपेसिटी। ड्यूल क्लच और डबल क्लच ऑप्शन आप ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं। अभी डबल क्लच में लेना चाहते हैं भी, इंडिपेंडेंट क्लच आपको मिले, पेडल्स का मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मल्टी स्पीड सटल शिफ्ट, OLMS ब्रेक और HDM+ इसके अंदर ये सीरीज का ट्रैक्टर है, ठीक है। फ्रंट के टायर 750 के फ्रंट के टायर है, MRF टायर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। फिर बात करें एक्सल की, तो एक्सल को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप लोडर डोजर कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पावर स्टेयरिंग हो, सिंगल जैक डबल एक्टिंग सिंगल जैक इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। जो शो उसके अंदर ये जाली इसलिए दी गई ताकि ट्रैक्टर जो गर्माए ना, इसके लिए दी गई है, ठीक है। फिर अलग से डिजाइन में सोनाली का सिंबल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में मैं बताऊं आपने, जो मेन जो टाइगर सीरीज इसका सिंबल यहाँ पर दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी जो है मेटेलिक जो टाइगर मेटल में लिखा गया, जो काफ़ी लंबे समय तक जो टिका रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ब्रेक की बात करा तो OLMS इसके अंदर ब्रेक दिए गए हैं, डिस्क ब्रेक हैं और जो एक्सेलरेटर जो रेस का पैडल होता है वो काफ़ी अच्छा गाड़ी के लुक में दिया गया है। और डिफरेंशियल लॉक अलग है डिज़ाइन में दिया गया, काफ़ी ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा उस साइड में आपको दिखेगा, इसमें अलग से दिया गया ताकि जल्दी से जल्दी किसान इसको यूज कर सके, ठीक है। उसके बाद में बात करें इसके टायर के पीछे वाले, 16 नोट है इसके पीछे वाले टायर हैं, जो काफ़ी ऊंचाई के साथ में आपको मिल रहे हैं। इसके अंदर JK के टायर पीछे वाले हैं और कंपनी साथ में 40 kg 34 kg के वेट दे रही है, साथ में आपको ये मिलेंगे, ठीक है। और जो मडगार्ड का डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, जो इंडिकेटर्स हैं जो पीछे उनका जो अलग से डिज़ाइन दिया गया है, अंदर की साइड मडगार्ड में अलग से जगह बना दी गई है, ठीक है। थोड़ा चंदन हाथ और देख, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर्स लगा सकते हैं और इसके जो नीचे की साइड इसके अंदर लाइट दी गई है ताकि जो नंबर है आसानी से दिख जाए। जो इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं अलग ही डिज़ाइन में, यूरोपियन ट्रैक्टर की तरह अलग डिज़ाइन के इंडिकेटर्स इसके अंदर दिए गए हैं, ये लाइट हो गई, ठीक है। फिर इसकी बात करें पीछे की साइड का ओवरव्यू किया जाए तो काफ़ी हैवी पटरी दी गई है, ठीक है। ड्राबार जो है काफ़ी हैवी दी गई है, यहाँ से आप इसको जो लिफ्ट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों साइड फिक्स कर सकते हैं ताकि आप कहीं लॉक करके मान लिया रोटावेटर वगैरह हैवी इम्प्लीमेंट लेकर जाते हैं तब काम आता है ये सिस्टम, ठीक है। फिर डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में है ये और इसके साथ में DC वॉल साथ में दी जा रही है ताकि आप लोडर वगैरह में डंपर है वहाँ पर आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो कई बार समस्या ये आती है कि मडगार्ड वगैरह कांपने लग जाते हैं, उसके लिए ये पाइप दी गई ताकि मडगार्ड जो उसमें कंपन बिल्कुल भी न हो, ठीक है। अगली हम बात करें जो हुक है वो काफ़ी ऑप्शंस के साथ में आपको दिया गया है ताकि आप ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी ऊंचाई तक आप इसको सेट कर सकते हैं। जो कल्टीवेटर है रोटावेटर वगैरह में आप यूज करेंगे तो यहाँ पर ये 3-point linkage सिस्टम इसके अंदर दिया गया है, जो इसकी सेंसिंग है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है, ठीक है। फिर इसकी PTO बात करें तो 540 RPM के साथ और 540 RPM मल्टी स्पीड PTO और रिवर्स PTO के साथ में आप ट्रैक्टर ये आपको मिल रहा है, ठीक है। फिर ठीक है, जो मडगार्ड है उसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी अलग ही डिज़ाइन में इसके मडगार्ड जो है बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छे लुक में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फुट गार्ड जो की बात करा तो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं और साथ में इसके सपोर्ट के लिए ये अलग से लगाई गई है एंगल, ठीक है।
फिर इसका प्लेटफॉर्म की बात करें तो फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ में ट्रैक्टर आपको मिल रहा है, और साइड शिफ्ट गियर बॉक्स 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स के साथ में 24 गियर में आपको मिलेगा, जो काफ़ी अच्छी शटल शिफ्ट के साथ में आपको काफ़ी आसानी से जो लग जाएगी। एक छोटा सा टूल बॉक्स, ठीक है, जो इंजन का रिव्यू हम आपको बाद में दिखाऊंगा ट्रैक्टर को की शो को ओपन करने के बाद में। जो सीट है एडजस्टेबल है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट के साथ में ट्रैक्टर आपको मिल रहा है। गियर बॉक्स की बात करें तो आप हाई लो मीडियम में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। पीछे 540 पीटीओ और रिवर्स पीटीओ के लिए जो है क्लच यहाँ से पैडल दिया गया है, पैडल है, पीटीओ का जो गियर बोलते हैं आप वो है, ठीक है। उसके बाद में बात करें इसके मीटर की बात करें तो आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, बिल्कुल कार की तरह इसका डिज़ाइन किया गया है, और यूरोपियन जो ट्रैक्टर होते हैं उनके डिज़ाइन की तरह ही इस ट्रैक्टर का जो है मीटर है वो डिज़ाइन किया गया है, जिसका आप इसके जो आर पी एम वगैरह यहाँ पे शो हो जाते हैं काफ़ी अच्छे लुक में, ठीक है। और जो स्टेयरिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये लीवर आप देख रही है वही लीवर है जो शटल शिफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है, फॉरवर्ड रिवर्स गियर बॉक्स, यहाँ से आप फॉरवर्ड और रिवर्स करेंगे वहाँ से आप गियर यूज करेंगे, 12 रिवर्स 12 फॉरवर्ड गियर बॉक्स के साथ में ये ट्रैक्टर आपको मिलता है, ठीक है। फिर आपने देखा साथ में जो चार्जिंग वगैरह चार्जिंग सॉकेट है, हर चीज़ जो इसके अंदर दी गई है यहाँ से आप हैंडल दिया गया ताकि आसानी से आप चढ़ सकें, ठीक है। फिर इसकी बात करा, सॉरी मैंने गियर बॉक्स नहीं बताया आपको, इसके अंदर कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स है साइड शिफ्ट के साथ में, ठीक है। चलिए इंजन को दिखाते हैं आपको कैसा इसके अंदर इंजन दिया गया है। छोड़ दे, ठीक है भाई। जो बैटरी है वो फ्रंट में दी गई है ताकि जो ट्रैक्टर का वेट बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, फ्रंट में बैटरी देने का मकसद यही रहता है कई कंपनियों का, ठीक है। तो जो वेट भी है वो काफ़ी बैलेंस रहेगा फ्रंट में, और आपने कई ट्रैक्टरों में देखा होगा जो आपका ये इंटरकूलर है इसके अंदर सिंपली आपको यही मिलेगा, आपको ये फ्रंट में जाली भी नहीं मिलेगी, तो ये अलग से जाली वगैरह भी का सिस्टम काफ़ी अच्छा गया है, जो एयर फिल्टर और ड्राई टाइप में है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपने बताऊँ जो एक्स्ट्रा जो कूलेंट इसके अंदर दिया गया, जो रिजर्वायर मान लिया यहाँ से कूलेंट ख़त्म हो जाता है, यहाँ से ऑटोमेटिक ट्रैक्टर उठा लेता है। 4 सिलेंडर में ट्रैक्टर आपको मिलता है 4087 cc के इंजन के साथ में, ठीक है। वाटर सेपरेटर और डीजल फिल्टर, सिंगल डीजल फिल्टर के साथ में आपको मिल रहा है, ठीक है। और कई ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा कि जो पावर स्टेयरिंग ऑयल होता है वो आपको सिंपली प्लास्टिक या फाइबर के बॉक्स में दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल कवर की करके और अलग से इसका पावर स्टेयरिंग का पंप लगाया गया, इसी अंदर काफ़ी अच्छा जो है सिस्टम इसके अंदर किया गया है, ठीक है। इसके अंदर और स्काई स्मार्ट का इसके अंदर ऑप्शन आपको 4D एयर क्लीनर के साथ में आता है ये, ठीक है। उसके बाद में इसका आपने इंजन दिखावा, EGR सिस्टम के साथ में आपने ट्रैक्टर मिल रहा है। इसके बोर की बात करा तो 105 mm के बोर के साथ में आपको ये मिल रहा है, काफ़ी पावरफुल ट्रैक्टर है, और हर इम्प्लीमेंट में हर फील्ड में आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे होगा ये। चलिए भाई इसने दिखावा, तो काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है, और इसकी परफॉर्मेंस की वीडियो भी आपने काफ़ी जल्द पेश कराएंगे, और इसके प्राइस के बारे में थोड़ा प्राइस एस्टिमेट इसका प्राइस के बारे में आपने बात करूं तो 8.5 लाख रुपए के आसपास इसका प्राइस रहता है, वो अपने स्टेट के वाइज आपकी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे अलग अलग हो जाता है, तो करीबन 8 लाख रुपए इसका प्राइस रखा गया है, 8.5 लाख रुपये सॉरी। और आप दूसरी साइड देख सकते हैं DI-55 भी आपको दिखाई दे रहा होगा, DI-55 ट्रैक्टर वो 58 HP में है, ये DI-60 है, ये 60 HP में ट्रैक्टर है, लेकिन दोनों में इंजन सेम है, ठीक है। तो सिर्फ थोड़ी बहुत फ़र्क, जैसे लिफ्ट कैपेसिटी में फ़र्क हो गया और HP में फ़र्क हो गया इनका, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, हाँ बता दिए बोर की तो कोई दिक्कत नहीं, बोर 105 के बोर में 4087 cc का इंजन मैंने आपको पहले बता दिया था, वो काफ़ी कंटिन्यू बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हैवी इंजन के साथ में ट्रैक्टर आपको मिल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, भी ऐसी ऐसी वीडियो आती रहेंगी,
और बहुत जल्द इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस की वीडियो आपके सामने पेश होगी। तो चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद भाई।